तो कमल जी क्या वजह थी उस दौर में जैसे आपने बताया कि बहुत ही स्लो प्रोसेस हो गया था हिंदी सिनेमा का बनने का तो क्या इसकी क्या वजह थी जो आर्टिस्ट काम करते थे उनका इनडिसिप्लिन या कुछ और वजह थी नहीं सबको पता है कि इतना पैसा आ रहा है तो इतना क्यों मेहनत करना है hmm. <laughs> ऐसा हो गया वेरी डिसिप्लिन पीपल अमित आई I used to sat by the sofa and be in the studio. Nobody will be there. Sometimes director sahab भी 8 बजे आते हैं uh, आपकी बेटी भी गायिका भी हैं और एक्टर भी हैं जी. आप उनको एडवाइस देते हैं या कभी डिस्कशन होती है तो दोनों सीख रहे हैं सो so, एडवाइस क्या दूँ मैं आई कैन गिव हर लव एंड शी इज गुड राइटर आल्सो और अभी तक लिखना शुरू नहीं की बट शी अ गुड राइटर तो कभी हम इन फ्यूचर देखेंगे श्रुति को कमल हासन डायरेक्ट किसी फिल्म में या या पॉसिबल वेरी वेरी पॉसिबल या तो अभी तो आप करंटली uh, विश्वरूपम यानी विश्वरूप में भी काफ़ी बिजी हैं आपकी आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स क्या हैं या आपकी विश लिस्ट जो आप आपने ऐसा कोई सपना देखा हो जो अभी तक Actually, पूरा आप जिस पे काम कर रहे हैं मेरा है? विश लिस्ट में अभी दो है हुँ. वर्ड स्पेलिंग डिफरेंट है वी आई एस सच है विश रूप टू विश टू इज कमिंग विश टू इज कमिंग वी आर मेकिंग इट कमल जी बीबीसी <coughs> को इतना वक्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और विश रूप और विश रूपम दोनों को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं और हम आपको विश करते हैं कि ये फिल्म बहुत चले बॉक्स ऑफिस पर थैंक यू